गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. चलिए आज का जो हमारा वीडियो है वो इस टॉपिक पर है कि आप लोगों का चैप्टर वाइज जो वेटेज है वो सीए इंटरमीडिएट लॉ में किस तरह से रहेगा, ताकि उस हिसाब से हम लोग अपना जो टारगेट है वो डिसाइड कर सकें कि अपने को कौन सी चीज़ पहले करनी है, कौन सी चीज़ बाद में करनी है. तो जैसा कि ICA ने कुछ फिक्स कर रखा है कि भाई इतने परसेंटेज इस टॉपिक में से पूछे जाएंगे, और हम लोग यहाँ पे आज उसी पर बात करने वाले हैं. मेरी बुक के अकॉर्डिंग कौन सा चैप्टर कितने वेटेज का रहेगा, चैप्टर का जो सेट है वो आपको मैं पूरा बताने जा रहा हूँ, विद मार्क्स बताने जा रहा हूँ. उस हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या अपने को पहले करना है और क्या बाद में करना है. तो सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि मेरी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 1 से लगा करके जो 10 तक के चैप्टर्स हैं, जिसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट है, नेचर ऑफ कंपनी है, क्लासेस ऑफ कंपनी है, इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम, प्रोस्पेक्टस, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी, शेयर एंड शेयर कैपिटल, शेयर सर्टिफिकेट वाला पोर्शन, कॉल्स फॉर फ्यूचर, बायबैक वाला जो हमारा टॉपिक है, साथ में मेंबरशिप एंड राइट्स, और साथ साथ में डिबेंचर्स, यानी 1 से 10 तक के जो हमारे चैप्टर्स रहेंगे उनका वेटेज रहेगा 18 to 24 मार्क्स का. मतलब 18 नंबर से 24 नंबर तक के जो क्वेश्चन हैं वो आने के चांसेस इन 10 चैप्टर्स में से बनेंगे, ठीक है. फिर उसके बाद में चैप्टर नंबर नेक्स्ट सेट पे बात करूं तो 11 से 14, मेरी बुक की बात कर रहा हूं, यूं चैप्टर बता देता हूं ताकि अगर आप और कोई मटेरियल से भी पढ़ रहे हैं तो आपको ध्यान में रहे. डिपॉजिट्स वाला चैप्टर हमारा, चार्जेस वाला चैप्टर हमारा जो है, और मीटिंग्स वाला जो चैप्टर हमारा रहता है मैनेजमेंट से रिलेटेड, और मेरी बुक में मैंने इसको एक पार्ट में और डिवाइड कर दिया है, मिसलेनियस वाला, बराबर. तो ये सारे मिलाकर के करीब करीब सेम वेटेज है, 18 से 24 मार्क्स के ही रहेंगे, बराबर. फिर उसके बाद अगले 3 चैप्टर जो हमारे हैं मेरी बुक के अकॉर्डिंग 15 to 17, इन जनरल अगर बोलूं तो डिविडेंड वाला चैप्टर, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, अकाउंट्स वाला जो हमारा चैप्टर है, और ऑडिट वाला जो हमारा चैप्टर है, यानी कि सेक्शन 123 से लगा करके 148 तक का जो लास्ट पोर्शन हमारा है वो करीब रहेगा 15 से लगा के 21 मार्क्स का. मैं परसेंटेज में नहीं बोल रहा हूँ, मार्क्स में आपको बता रहा हूँ ताकि और आपको ईजी पढ़े. तो ये पूरा कंपनी लॉ का हमारा पोर्शन लगभग इतने मार्क्स के बीच में से ही बन सकता है, बराबर. अब रिमेनिंग पोर्शन की बात करूं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जाएगा 10 to 14 मार्क्स का, ठीक है. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जाएगा 8 से 14 मार्क्स का. जनरल क्लॉजेज एक्ट हमारा जो है वो 8 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन बनाएगा, और जो हमारा इंटरप्रिटेशन वाला चैप्टर है लास्ट वाला वो लगभग 6 to 10 मार्क्स का पेपर जो है वो कवर करेगा. तो ये सारा आपका पेपर का वेटेज है. इस तरह से आप तैयार करें कि भाई स्टार्टिंग अगर आप 10 चैप्टर तैयार करते हो, देखो थोड़ा सा स्मार्टली अगर अपन सोचें तो 10 चैप्टर्स या इतना बड़ा मटेरियल हमारा 18 से 24 मार्क्स का है, बराबर. जबकि अगर आपने 4 चैप्टर्स पढ़े डिपॉजिट का, चार्जेस का, मीटिंग्स एंड मिसलेनियस का, तो वो करीब करीब भी सेम 18 to 24 मार्क्स का है. तो इनको करना ज्यादा बेटर है, ठीक है. अच्छा, डिविडेंड अकाउंट्स एंड ऑडिट जो है वो बहुत छोटा सा पोर्शन है, मतलब लिमिटेड सेक्शन है, लेकिन फिर भी 15 से 21 मार्क्स कवर कर रहे हैं, तो उस पर भी ज्यादा फोकस करना है. तो स्मार्ट स्टडी कहती है कि आपको डिपॉजिट, चार्जेस, मीटिंग्स वाला चैप्टर पहले करना चाहिए, सेकंड स्लॉट में डिविडेंड अकाउंट्स एंड ऑडिट करिए, उसके बाद में नंबर लगाइए जो भी हमारा स्टार्टिंग चैप्टर्स बचे हुए हैं उनका 1 to 10 तक. अब रिमेनिंग 40 मार्क्स के अंदर जो है, बट ऑब्वियस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट सबसे ज्यादा मार्क्स का है, उसको सबसे ज्यादा कवर करिए. देन उसके बाद में फिर आप देख सकते हैं NIA और जनरल क्लॉजेस में से कोई भी एक अपने को पहले करना है, और फिर अपने को देना चाहिए इंटरप्रिटेशन का काम, ठीक है. तो इन जनरल आपको मैं बोल चुका हूँ 70 आवर्स में कोर्स को खत्म करना चाहिए, 70 to 80 आवर्स में. उस हिसाब से अपना टारगेट सेट करिए और फटाफट से तैयारी शुरू करिए. चलिए, तो आज के लिए इतनी सी बात है हमारी, और जल्दी वापस से मुलाकात होगी. थैंक यू.